गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 10 चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स. आज अपन मैथ्स का 10 चैप्टर पढ़ेंगे. 10 चैप्टर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10 डी. ओके, एक्सरसाइज 10 डी पढ़ने से पहले अपन देखें कैलेंडर. कैलेंडर होता क्या है? ठीक है, अ कैलेंडर हेल्प अस टू नो द डेज एंड मंथ ऑफ अ ईयर, सो इट इज ऑल्सो अ टूल टू टेल टाइम. बोला है कैलेंडर, आप सबके घर में कैलेंडर होता है ना. अपन देखते हैं उस कैलेंडर में अपन को क्या दिखता है कि आज कौन सा डे, आज संडे, मंडे, ट्यूजडे, या फिर आज अभी कौन सा महीना चल रहा है. तो अपन को डेज और मंथ बताता है ईयर के, साल के. उसको अपन क्या बोलते हैं? कैलेंडर बोलते हैं. और इसे अपन क्या बोलते हैं? टूल ही बोलते हैं. एक जिससे कि हमें क्या पता चलता है? समय का पता चलता है कि आज कौन सा क्या चल रहा है. जनवरी चल रहा है, फिर नेक्स्ट क्या चलेगा? फरवरी. फिर क्या चलेगा? मार्च. ऐसे बताता है. फैक्ट्स अबाउट कैलेंडर, आप कैलेंडर के बारे में कुछ फैक्ट्स होते हैं पढ़ेंगे. अ ईयर हैज़ 12 मंथ, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं. ईच मंथ इज़ डिवाइडेड इन टू वीक्स, अ वीक्स इज़ ऑफ 7 डेज. हर महीना किस में डिवाइडेड है? वीक्स में, सप्ताह में. हर महीने में सप्ताह होते हैं. अब सप्ताह, एक सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है. 1 वीक कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है. अ मंथ हैज़ 4 वीक्स एंड अ फ्यू मोर डेज, एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं, और कुछ दिन हो सकते हैं. ठीक है, ठीक है. 4 डेज, 4 वीक तो होते ही हैं, और साथ में कुछ डेज और हो सकते हैं. एवरी 4 मंथ इज़ अ लीप ईयर, हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर होता है. कौन सा ईयर होता है? लीप ईयर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2004, 2008, 2012 एक्सेट्रा. लीप ईयर मतलब होता है कि अपने फरवरी में कितने डेज होते हैं? नॉर्मली 28 डेज होते हैं, बट हर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है. कौन सा दिन हो जाता है? 29 हो जाता है. कौन सा डे आता है? 29 दिन. 29 फरवरी आती है. कब आती है? हर साल, 4 साल में एक बार आता है. तो उसे अपन क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं. इससे पहले 2004 में था, फिर 2008 में, फिर 2012 में, फिर उसके बाद 2000 किस में आएगा? 16 में आएगा, है ना. ऐसे देखो, अ लीप ईयर हैज 366 डेज. अब लीप ईयर जब होता है उस पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं. वैसे नॉर्मली कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं. ठीक है, इन अ लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज. जब लीप ईयर होता है तो फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं. इफ़ अ ईयर कैन बी डिवाइडेड बाई 4, देन इट इज़ अ लीप ईयर. कोई भी ईयर, कोई भी साल, जैसे कि 2018 लिखा है, 2012 लिखा है, 2004 लिखा है, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, तो वो कौन सा ईयर है? वो लीप ईयर है. यू कैन सी दैट द मोस्ट मंथ्स हैव 30 और 31 डेज, फरवरी हैज 28 और 29 डेज. आप देखती हो कि हर मंथ में ज़्यादातर 30 या 31 दिन होते हैं, सिर्फ फरवरी ऐसा है जिसमें 28 और 29 डेज होते हैं. वो लिखा है कनल टिक ट्रिक. कनल की ट्रिक है, उन पढ़ते हैं. चूज योर फिट फिस्ट, द हाई जॉइंट आर द मंथ विद 31 डेज, द लोअर पोजिशन सो मंथ विद 30 डेज, ओनली फरवरी इज 29 डेज डे. बोल रहा है कि अपना हाथ लो, इसमें अपने जॉइंट होते हैं जॉइंट. यहाँ पे साइड साइड में देखो, 4 आपकी बोन्स निकली होती हैं ऊपर ऊपर. अब उसके जॉइंट जो ऊपर निकली हुई हैं उसको अपन क्या मानते हैं? 31 वाला महीना मानते हैं. जैसे कि जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये बड़े ऊपर जो जॉइंट निकले हुए हैं उसमें अपन ये पढ़ते हैं. और जो नीचे हैं, जो बीच के जॉइंट हैं नीचे हैं, उसमें क्या अपन पढ़ते हैं? अपन फरवरी जिसमें 28 और 29 डेज होते हैं, बाकी उसमें अप्रैल में 30 दिन, जून में भी 30 डेज होते हैं, और नवंबर में भी 30 डेज होते हैं, सितंबर में भी 30 डेज होते हैं. ठीक है, अपन देखेंगे एक्सरसाइज 10 डी. फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द कैलेंडर ऑफ प्रेजेंट ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये बोल रहा है कि अभी जो ईयर है उसका कैलेंडर देखो और आंसर दो इन क्वेश्चंस की. फर्स्ट क्वेश्चन है, धनी हैज़ हॉलीडे फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर. मतलब धनी की हॉलीडे है, मतलब छुट्टियाँ हैं कब से? 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक हैं. सी हैज़ हॉलीडे फॉर ब्लैंक डेज. अब 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर में कितने डेज हो गए? कितने दिन हो गए? 15, 16, 17, मतलब 3 डेज. तो आएगा 3 डेज. हर स्कूल स्टार्ट ऑन 18 अक्टूबर. अब उसके बाद 3 डेज को छुट्टी हो गई, तब उसका स्कूल कब स्टार्ट होगा? 17 तक थी, 18 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ थर्सडे. उस दिन कौन सा डे होगा? थर्सडे होगा, गुरुवार होगा. सेकेंड है, फर्स्ट संडे इन द मंथ ऑफ जनवरी इज़ ऑन 7 जनवरी 2018. देखो ये जो कैलेंडर है इसके हिसाब से इसको अपन को फिल करना है कि जब पहला संडे जो था जनवरी में वो कब था? 7 जनवरी को था. कब था? 7 जनवरी को. देखो ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगस्त मंथ है 4 मंडे. अगस्त का जो मंथ था उसमें कितने मंडे थे? 4. काउंट कर सकते हैं 6, 13, 20 और 27, मतलब 4 हो गए ना, 6, 13, 20 और 27, 4 डेज. तो 4 मंडे थे उसमें. ठीक है, फिर दिया है लास्ट संडे इन द मंथ ऑफ दिसंबर इज ऑन. ये बोल रहा है कि दिसंबर के मंथ में लास्ट संडे कब होगा?
30 तारीख को होगा तो अपन लिख देंगे 30। देर आर 5 संडे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में बोल रहा है सेप्टेम्बर में कितने संडे थे, 5 संडे थे, काउंट कर लेंगे देखो 1 1 2 3 4 5, 5 संडे थे तो 5 यहाँ पे लिख दिया अपन ने। सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स, द जनवरी मंथ हैज़ 31 डेज, जनवरी का जो महीना होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं, 31 दिन होते हैं। देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक दिन में कितने वीक होते हैं, वो सॉरी एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। द सेप्टेम्बर मंथ हैज 30 डेज, सेप्टेम्बर जो मंथ होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं, ठीक है। देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर, एक साल में कितने मंथ होते हैं, कितने महीने होते हैं, जो 12 मंथ होते हैं, ठीक है।